शोर बचाइए। बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला भाई। वेलकम टू असना मनाए भाई। पाकिस्तान में एनिमेटेड सीरीज बहुत कम बनती है। इसी तरह की एक एनिमेटेड सीरीज है टीम ऑफिस, जो आजकल आप जियो पे देख रहे होंगे, बहुत पसंद की जा रही है। आज उसकी पूरी कास्ट और डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद है। एक एक करके उनको बुलाएंगे, भरपूर तालियां बजाइएगा। पहली जो मेहमान है हमारे साथ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत ही क्यूट और बबली, आपकी भरपूर तालियों में दाना दी। महनूर का कैरेक्टर है, सबसे बड़ी बात जो है ये एक रियल लाइफ कैरेक्टर है जिसे इंस्पायर हुआ है और वो खुद भी गिलगित बल्तिस्तान की एक लड़की है जो टाइकोंडो चैंपियन है। काश मेरे पास बहुत सारे पैसे होते। फिर क्या तुम नई वैन खरीद लेती? कम से कम मैं एसी जरूर ठीक करवा लेती। पूरा वक्त तो आ चुका है दुकान पर। आ जाओ भाई, नीरज जहाँ तुम्हें बताया गया वहाँ बैठ जाओ। अब जो लाने जा रहा हूँ एक बहुत ही अच्छी सिंगर है, बहुत अच्छी वॉइस आर्टिस्ट भी है, आपकी भरपूर तालियों में निमला रफीक। अफसोस कि ये सब हमारे होते हुए हो रहा है। सीरीज में जो कैरेक्टर मैं कर रही हूँ वो उसका नाम है आर्या, और आर्या एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत स्ट्रांग है। उस फैक्ट्री में दिन रात बच्चों से चाइल्ड लेबर करवाई जाती है। कैसी है निमरा भाई? वाह, जो तुमने ये मिस वर्ल्ड की तरह की एंट्री, बहुत कमाल दी भाई, बहुत कमाल। पूरा पूरा काम आता है तुम्हें। काफी नाजरात टीम ऑफिस के डायरेक्टर को बुलाने जा रहा हूं, आपकी भरपूर तालियों में कामरान खान। कौन हो तुम? टीम मुहाफिज कहते हैं हमें। रोका को हराना इतना आसान कैसे सर? मुझसे मिलिए, मैं होस्ट खुश होगा। आइए प्लीज बैठिए भाई। अब जिनको मैं बुलाने जा रहा हूं, पाकिस्तान की तारीख में बहुत बड़े बड़े एक्टर्स आए मगर ये अपना एक अलग मुकाम रखते हैं। मैन विद थाउजेंड फेसेस, आपकी भरपूर तालियों में द वन एंड ओनली नया रियाज। रोका को रोका किसने? बच्चे थे, बच्चे। तू बच्चों से मार खा के आ गया, बच्चे हो के रोका से हाथ, बुरी बात, बहुत बुरी बात। जोर से तालियां होनी चाहिए सर। आइए सर, प्लीज। ये सर कैसा लग रहा है आपको? दूसरी बार आके बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो आना जाना लगा ही रहता है आप। बिल्कुल, और वैसे भी माशाल्लाह सेकंड टाइम आया हूँ तो आप में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। थैंक यू सर बहुत। मैं दवाइयाँ टाइम पे ले रहा हूँ। इतने मासूम लोग बैठे हुए आज, इनसे जब मैंने कहा टीम हाफिज आ रही है तो कहने कार्टून कैसे आएंगे। अच्छा निमरा, तुमने मुझे बताना है कि नैयर साहब का कैरेक्टर कैसा है और क्या है, और अपने कैरेक्टर की आवाज़ में बताना है। नैयर साहब का जो कैरेक्टर है वो रोका की आवाज़ में बहुत तंग किया हुआ है, उन्होंने तंगा फैला हुआ है पूरे मुल्क के अंदर। हम परेशान हैं, हम लड़ लड़ के थक गए हैं, लेकिन रोका थक नहीं रहा बिल्कुल भी। ये रोका कहाँ थकता है, सालों से आ रहे हैं, 40-45 साल से तो थके नहीं। अरे जीना, ये जो निमरा लड़की है शरारती, इसका क्या कैरेक्टर है, क्या बनी है, और अपनी आवाज़ में बताना। ये जो लड़की है ना, ये डंडों से लड़ती है और हम सबको भी तंग करती है बहुत, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है। सर आपसे तो खैर, आप इसमें एक नेगेटिव रोल अदा कर रहे हैं, रोका। ये कामरान भाई, ये रोका जो है ये वो रोका है या ये यहीं का रोका है? जब हम इस तरह के विलन के नाम रख रहे होते हैं ना, तो नॉर्मली दिमाग में जो गलियों में क्रिकेट खेला करते थे ना, किसी कोई नाम रख देते थे। शाका भाई, शाका। एग्जैक्टली मैं शाका भाई, शाका भाई नाम होता था, भरमबाज लड़कों का। फास्ट बॉलर भी काफी तेज हुआ करते थे, शाका नाम था यार वो, बड़ा तेज। तो वहीं से हम विलन के नाम तो ऐसे ही रखे जाते हैं, शाका। वहां से बनाते बनाते वो पहले राका हुआ, लेकिन राका हुआ क्या, राका ऑलरेडी कहीं वो सो चुका है, तो राका से रोका, फिर वो
आगे चल के किसी और ने बताया रौका कहीं और से भी कनेक्ट होता है। मैंने कहा नहीं भाई नहीं है कराची। हाँ अगर कराची का कैरेक्टर होता इसका नाम होता पौका। कराची में पौका बड़ा ज्यादा इस्तेमाल किया ना। बिल्कुल। अच्छा फिल्म में आप जिंदगी भर विलन का कैरेक्टर्स करते रहे, कभी आपने कसम उठा ली, कभी आपने पत्थर उठा लिए, कभी खवातीन उठा ली, इसमें सिर्फ मुंह का काम था टोटल। आपको कमी महसूस हुई कि यार आप कैसे कुछ हो उठ नहीं रहा, क्या कैसे कमी महसूस हुई, क्या कमी महसूस? नहीं कमी महसूस नहीं हुई। अगर काम करने पे आया आदमी तो फिर हर काम मुश्किल है। हाँ ये तो है। तो मेरे लिए भी ये नया एक्सपीरियंस था कि मैं पहले स्क्रीन पे खुद आता हूँ तो इस दफ़ा इनकी फिल्म में मैं बैकग्राउंड पे हूँ और बड़ा मज़ा आया किरदार करते हुए। अच्छा भाई जीना तुम जो नटखट बैठी हो यहाँ पर, यूजली लोगों की पार्टीज की वीडियो लीक हो जाए तो वो बदनाम हो जाते हैं, काम खत्म हो जाता है, तबाह हो जाता है। तुम्हारी पार्टी की वीडियो निकली तो तुम्हें काम मिलना शुरू हो गया। अच्छा सबसे अनोखा काम क्या मिला आज तक? फर्स्ट ऑफ मतलब ये सारा ही फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है जो मैंने सिनफे हान किया, फिर अभी टीम मुहाफिज जो किया, दीज आर ऑल माय फर्स्ट प्रोजेक्ट्स। तो मैं ये ISPR के साथ दो काम कर चुकी हूं। तुम सिनफे हान में भी आई थी, नट वो बनी थी तुम सैयदा सिदरा। बहुत मेरा फेवरेट कैरेक्टर था उसमें। थैंक यू। तुम सैयदा सिदरा बनी और फिर तुम अब दोबारा टीम मुहाफिज ISPR का है। तो वो क्या तुम्हें फोन करके ये कहते हैं कि आपको ये काम करना है या पूछते हैं आपको ये काम करना है? कहते हैं कि ब्रिगेडियर साहब से बात हो गई है तो आप कर लें। हाँ ब्रिगेडियर साहब से बात हो गई। ये कहते रहे हो तुम ब्रिगेडियर साहब की बातें क्यों सुनती हो इतनी? अब्बू है ना इसी। अरे अब्बू है। हाँ है तो सही हम सबके। नहीं नहीं मेरे असल में अब्बू है। अच्छा नहीं सर आपसे भी आपसे तो ऐसा नहीं हुआ होगा, आपसे तो प्यार से पूछा होगा। बिल्कुल प्यार से। नैयर साहब करेंगे या करेंगे? नहीं मुझसे कहा गया था हम करा लेंगे तो मैंने कहा ठीक है करा लेंगे। पूरा हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद ISPR? वर दे लीनिएंट, वर दे ओपन टू आइडियाज? व्हाट? नहीं तंग बिल्कुल भी नहीं किया, बहुत आराम से स्मूथली सारा काम हुआ है। अब वो क्यों लगा कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ तंग किया? तो मेरे ऐसे ही हो। लेकिन हम पहले से पता लगा लेते हैं कि क्या बात है। कामरान भाई आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ओपन टू आइडियाज थे, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत फ्रीडम के साथ। और उसके भाई ठीक है जो भी चीज़ है, अगर मैं सिर्फ डायरेक्टर के तौर पर और हेड ऑफ प्रोडक्शन के तौर पर भी काम कर रहा हूँ, पूरी टीम बनाने से लेकर इक्विपमेंट खरीद जो कुछ करना है सारी चीज़ें फिर मेरी ही मर्जी। ये एक बिला जगह एक बना हुआ है ना इंप्रेशन कि यार उनके साथ काम करेंगे तो उन्हीं का काम करना पड़ेगा, लेकिन बिल्कुल यू हैव द क्रिएटिव लिबर्टी वहाँ पर ना, फ्रीडम। ठीक है। अच्छा दाना तुम्हारा जीना तुम्हारा कौन सा सुपर हीरो फेवरेट है? I love Wonder Woman. Wonder Woman भाई, Wonder Woman अगर पाकिस्तान में बनती, पाकिस्तान में बनती तो उसके तो मसले यही रहते ना। अम्मी कहती थी बेटा जो कुछ करो शादी के बाद करना, कोई बचाना शादी बात कर लेना बेटा, रिश्ते नहीं आएंगे अगर तुम वंडर वुमन बनोगे। और तुम्हारे क्या नंबर? मेरे दो हैं। दो हैं, दो फेवरेट हैं। सुपरमैन, सुपरमैन किसी और वजह से, और और उसके अलावा उसके अलावा सुपर है जो कुछ मैन है जो बड़ा सुपर है, बट सुपरमैन मेरा फेवरेट है। ठीक है, जब तक हेनरी केवल था तब तक। ठीक है ठीक है। और उसके अलावा थॉर। थॉर आपका फेवरेट? अच्छा ये जो हम सुपर हीरो होते हैं ना इनके अक्सर ये दुपट्टे पहने होते हैं सर, कराची में होते तो ये इनके तारों में फंसे रहते पीको के मसाइल। पीको के स्पाइडरमैन तो मर जाता बेचारा। स्पाइडरमैन तो उससे तो लोग कुंडे डलवाते, कुंडे स्पाइडरमैन जरा मेरा बिजली का कुंडा डाल दो बेटा। अरे जीना फैमिली में तुम अकेली हो या इससे पहले बाद में भी? मैंने सुना खाला भी अब आ चुकी है मीडिया में। वेरी इंटरेस्टिंग, हमारा ना आपको पता ही है कोई ताल्लुक नहीं था मीडिया से। हाँ, कोई भी देखने की हद तक था, टीवी देखने की हाँ, देखने की हद तक था। तो जब मैंने सिनफे आहान किया तो दैट वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, तो आई वाजंट अलाउड टू गो अलोन ऑन सेट, तो मेरी खाला मेरे साथ गई। खाला मेरी जो है, तो हम सेट पे एक दिन बैठे हुए थे तो एक रोल था तो उसके लिए उनको एक कोई ऑप्शन चाहिए था। तो मेरे पास प्रोड्यूसर ने आके कहा कि अच्छा हम सोच रहे हैं आपकी खाला, तो मेरा अंदर का पठान जा गया। मैंने कहा नहीं मेरी हमारे घर की औरतें काम नहीं करती। तो मैंने कहा नहीं मेरी खाला क्यों एक्टिंग करेंगी, नहीं नहीं मैंने उनको मना, खाला का दिल जा रहा होगा बेटा बेटा। तो मैंने जाके ना मैंने जाके खाला को बताया, मैंने कहा नहीं, उन्होंने ना वो कहा था इस रोल के लिए, मैंने उनको मना कर दिया, मुझे पता आप नहीं करेंगी। खुद ही आप नहीं करेंगी? तो खाला कहती है अच्छा मना कर दिया, अच्छा ठीक है। तो थोड़ी देर बाद आके कहती मुझे वैसे मसला नहीं है। तो फिर मैंने जाके उनको मैंने सोचा, मैंने कहा मैं भी तो कर ही रही हूँ ना, मतलब इसमें क्या। मैंने फिर अपने आप को समझाया, मैंने कहा ओके ठीक है, मैंने फिर जाके प्रोड्यूसर को कहा तो खाला ने नहीं समझाया, इन्होंने समझाया। माशाल्लाह से बच्चे अपने बुजुर्गों का कितना ख्याल है।
कहीं बुजुर्ग बिगड़ ना जाए, बुरी हरकतों में ना पड़ जाए। अच्छा ऐसा है कि तुम देख रहे हो लाखों लोग बैठे हैं, लाखों, और ये सब आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, सवाल लेकर आए। आपको पता है आवाम कितना सवाल पूछती है, तंग आए मेरे सियासतदान के, यार एक सेकंड चुप नहीं होते लोग। तो जा रहा हूँ मैं इनके पास, सवाल लेकर आऊँगा। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कोई सवाल लाएं? मेरा सवाल नीर भाई से है कि आजकल की जो जनरेशन है जो विलन का किरदार अदा कर रही है, वो आप मुतमईन हैं उससे? नहीं नहीं, मैं मुतमईन हूँ, जो आ रहा है बेहतर आ रहा है। और ये एकदम तो किसी को भी बहुत अच्छा नहीं हो सकता ना कोई भी आदमी, जी स्लोली स्लोली वो करते रहेंगे तो बहुत अच्छे हो जाएंगे। जैसे मुराद शहीद हो गए, हिना परवेज भट्ट हो गई, सब अच्छा काम कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सरीना कपूर। सरीना कपूर, अरे वाह, मतलब मैंने इस तरह का नाम सुना हुआ है पहले। सरीना क्या करती हो तुम? मैट्रिक कर रही हूँ। अरे वाह, इतनी सी उम्र में। अच्छा कोई सवाल लाई हो? सवाल नहीं है मेरा, दानी नीर मैम के साथ रिक्वेस्ट है कि आप क्या पारी और ये वाली वीडियो रिक्रिएट कर सकती हैं? जरूर कर सकती हूँ। रिक्रिएट कैसे कर सकते हैं? पूरे क्राउड के साथ कर सकते हैं, सबके साथ मिलकर करते हैं। हां नहीं हो जाए, मैंने आज तक तुमसे कभी करवाया नहीं है ये काम। कैसे कर, कौन किसके पास है? चलो करो, क्या मोबाइल 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 क्या मोबाइल लाओ। ये मैं हूँ, ये मेरे फ्रेंड्स हैं और यहाँ पारी हो रही है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाजिया कमल। आपको सवाल लाएंगे? जी जी, मैं सवाल पूछिए ना, घबराई मत। नहीं नहीं, मैं घबराऊंगी नहीं, ये मेरा बल्कि बहुत पुराना क्वेश्चन है, जब मैं कुवैत में भी आप लोगों के ड्रामे देखती थी और पाकिस्तान में भी देखती हूँ। पैदा नहीं हुई थी, दो लड़कियाँ पैदा नहीं हुई थी। क्वेश्चन है बल्कि तमाम जो भी स्टार्स हैं, चाहे मेल हैं चाहे फीमेल्स हैं, एक्चुअली आप लोग स्टेज पे सोशल मीडिया पे माशाल्लाह इतने प्यारे लग रहे होते हैं कि हम देखते हैं वाह माशाल्लाह कितने प्यारे हैं आप लोग, इतने अच्छे शूट्स लेते हैं, आप लोगों को नज़र नहीं लगती? अगर लगती है तो आप उसका मतलब क्या हल निकालते हैं, उससे कैसे बचते हैं? मुझे बहुत नज़र लगती है इस, मुझे मम्मा कहती है कि मेरा खून हल्का है। हल्का और लगती है नज़र, डेफिनेटली लगती है, स्पेशली जब आप स्पॉटलाइट में होते हो। लेकिन खुशकिस्मती है कि हमारी अम्माएं देसी हैं तो वो अंडा मिर्चें तो वो सब जला जुलू की नजर उतार। हाँ भाई, तो मेरी नानी ने मुझे, मेरी नानी हमारे साथ ये करती थी कि हमें ना नजर उतारती है पानी से और मिर्चों से, और हरमल, हरमल जो होता है ना वो कोयले पे जला के वो हमारे घर एवरी, इट्स वेरी, इट्स एन एंटीसेप्टिक, तो वो हरमल के साथ, हरमल और कोयला जला के वो धुनी देती है उसके घर में। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें नजर नहीं, हमें हर लगती है और बहुत लगती है, कुछ लोगों को तो बहुत ज्यादा लगती है, जैसे मेरे खून जो हल्का है। सर आपने दो देखा, नोट किया आपने कि नजर का पूछा भी गया तो दाना नीर और निमरा से, हम क्या मर गए हैं? अमरान भाई आपका तो खैर नहीं बनता, मगर अरे मेरे साथ तो ये था कि अगर तीन अच्छे खूबसूरत दोस्त जा रहे होते तो उनकी अम्मी कहती थी ताबिश को भी साथ ले जाओ ताकि नजर ना लगे। अच्छा आप अपने हस्बैंड की नजर किस तरह प्रोटेक्ट करती हैं कि उनकी नजर कहीं ना लगे? कभी पकड़े नहीं गए माशाल्लाह। ताबिश बेटा, ताबिश भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर है, पहले से बेहतर है। ऑपरेशन करा, निकलवा लिया कीड़ा? अच्छा क्या करते हो, क्या नाम है? जुहेब कामरान नाम है, बीएस इंग्लिश किया है मैंने, और मैं पैरोडी आर्टिस्ट हूं और वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हूं मैं। वॉइस ओवर आर्टिस्ट, एक छोटा सा प्रोग्राम भी होस्ट करता हूं वेब चैनल पे। अरे वेरी नाइस, सब कुछ तो कर लेता है। कोई सवाल है? हाँ जी, मेरा क्वेश्चन है दनानीर से कि आप स्किन केयर के स्पेशलिस्ट हैं, जैसे कि बिजनेस है आपका, जैसे स्किन प्रोडक्ट्स का। हाँ जी, तो आप मुझे भी कुछ बताइए कि माशाल्लाह आपसे भी, आप जो हैं वो खूबसूरत हैं काफ़ी, तो मुझे भी कुछ बताइए कि मैं भी खूबसूरत हो जाऊं। मैं भाई के साथ सोता हूं रात को, मैं कहता हूं भाई मेरी अल मुंह करके सो, मैंने डर लगता है, वो कहते तेरी अल मैं मुंह करें तो मैंने डर लगता है। बिल्कुल सही बात। लगना भी तो भाई इनके भाई के लिए अलग कमरा बनवा सकती हैं आप। सवाल ये है इनका। मैं इनके भाई के लिए अलग कमरा नहीं बना सकती, लेकिन मैं आपको एडवाइस कर सकती हूँ, हमारे पास जो सीरम्स हैं उससे आपकी स्किन बहुत अच्छी रिपेयर हो जाएगी, तो फिर आपके भाई को आपके साथ सोने में डर नहीं लगेगा, तो अगर आप वो यूज करें तो आप गुड सीन हो जाएगा। अच्छा पैरोडी करती हो तो, मिमिक्रीज करती हो? हैं
कोई आइटम पेश करो तो एक। तो मैं उधर आके आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जूते साफ करके आना बेटा, निशान छोड़ते हुए ना आना। अक्षय कुमार की जिस रंग जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता सारों को चपेड़े मारूंगा, ताले नहीं मार रहे मेरे। बिलावल भुट्टो की करते हो तुम, करो। अरे कराची वालों, आपका जोश और जज्बा हिला रहा है, यहाँ सारों की कापे टांग रही है। और सब छोड़ो, सब की मेरी करो, मेरी करो, मेरी। आगे मैं क्या करूँ, क्या? वेरी गुड यार, वेरी गुड मेरी जान, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अल्लाह मेरे साथ मौजूद है आज टीम ऑफिस की पूरी टीम। अच्छा सबसे पूछूंगा, मैं एक एक करके पूछूंगा। निम्रत, तुम क्योंकि करती रही हो, ये वॉइस आर्टिस्ट हो तुम ऑलरेडी, तो ये जो वॉइस आर्टिस्ट होता है ये टोन वोन कैसे डेवलप करता है? शीशे के सामने देख के तो कुछ उखाड़ नहीं सकता ये, तो ये कैरेक्टर कैसे डेवलप करते हो, ये वॉइस आर्टिस्ट कैसे करते हैं? मैंने तो जब भी कोई नया कैरेक्टर देखा है मैंने बस उस हिसाब से, मैंने दादी के कैरेक्टर्स भी किए हुए हैं, मैंने मोस्टली जो मैं कैरेक्टर्स अभी कार्टून्स के करी हूँ वो मैं 8 साल के बच्चों के, लड़के बॉयज़, हाँ, उनकी आवाज़ अक्सर लड़के ही करती हैं, ये तो हाँ, तो बॉयज़ के कैरेक्टर्स में करी होती हूँ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में। मुझे टर्किश ड्रामा में इतना मसला होता ही नहीं था कि मतलब किसी को भी बच्चे का कैरेक्टर करना है, लेकिन कार्टून्स वगैरह में थोड़ी सी मुश्किल होती है क्योंकि एक जगह मैं शेर का बच्चा बोल रही हूँ, दूसरी जगह पे मैं इंसान का बच्चा बोल रही हूँ, तो वो शेर के बच्चे में अगर मैं लड़के वाली आवाज़ निकाल भी रही हूँ तो थोड़ी सी एक घुराहट भी आनी है कि वो पता चले कि शेर का बच्चा है। अच्छा जीना, तुम हुंजा, हुंजा ही गिलगित बल्तिस्तान से हैं जी। अच्छा क्योंकि तुम खुद तो पठान हो मगर गिलगित का ये एक्सेंट अलग है थोड़ा सा। बिल्कुल, उधर लैंग्वेज भी डिफरेंट है, वहाँ पे शीना बोलते हैं, हाँ। हमारे यहाँ पश्तो बोलते हैं, तो डायलेक्ट भी डिफरेंट है और प्रोनंसिएशन और उसका काफी डिफरेंट सारा, हाँ। तो तुमने तुम्हें कैसे पता चला ये सब चीजें इतनी सी उम्र में? हमारे जो प्रोडक्शन में ही थे ना, जो थे गिलगित बल्तिस्तान से, कहाँ है अल्लाह वो गिलगित बल्तिस्तान के, तो उन्होंने गाइड किया। और दूसरा हमने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी आई बिलीव, जिसमें वो बच्ची गिलगित बल्तिस्तान की थी या कोई रिकॉर्डिंग सुनी थी। छोटे से करियर में इतने सारे रीजनल कैरेक्टर्स कर लिए हैं। सैयदा सिदरा तुमने सनफ्रान में किया, उसका ताल्लुक गुजरांवाला से, तुमने बड़ा अच्छा एक्सेंट उसका वो किया और बहुत ही नेचुरल लगा वो कि तुम हो ही गुजरांवाले से, शायद तुम्हारा नाम होगा सिदरा बट और तुम चिड़े खाती रहती होगी। अच्छा एक काम करते हैं आप, ऑडियंस क्योंकि चेहरे मुरझा से रहे तो हम गेम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। गेम है इस गेम तक तारीखी गेम, 2 सेकंड का मामला सर, ठीक है? अब होगा ये कि मैं आपसे सवाल पूछूंगा, सवाल जनरल नॉलेज के भी हो सकते हैं, सवाल टेक्निकल भी हो सकते हैं, सवाल रैंडम भी हो सकते हैं। सवाल के जवाब सही हो ना हो, सवाल का जवाब 2 सेकंड में देना है। अगर 2 सेकंड क्रॉस कर गए तो बजेगा ये बजर, धर्म तुमसे जीना शुरू करेंगे, सही है? बिस्मिल्लाह। पार्टी किसके घर हो रही है? ताबिश हाशमी। वेरी गुड। सुपरमैन के चाचू का नाम क्या है? निमरा। वेरी गुड। कौन सा जानवर पियानो बजा सकता है? हाथी। हुंजा का नाम हुंजा किसने रखा? बिलावल भुट्टो। मैं दे जाने दूंगा, 2 सेकंड के अंदर बिलावल भुट्टो ने रखा हुंजा का नाम हुंजा, उससे पहले इसको सकर दू क्या। मक्खी मारने का सबसे आसान तरीका? चपेड़। वेरी गुड। सज्जद अली सोते में क्या बोलती है? बेस्ट एक्टर। मैंने सही बोला। चीटिंग नहीं करे मेरे साथ, शरारते कर रहे। साउथ अफ्रीका का डिफेंस मिनिस्टर कौन है? नहीं रिजाज। फोन भी आ गया उनको। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट देन फ्रेंडशिप? मनी। मनी बहुत दाना ने बहुत अच्छा खेला भाई। सर आज तक बात गेम समझ गए आप? बिल्कुल समझ गया। आपने ये नहीं कहना वो मैं ये इतना लंबा उतना बड़ा नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा विलन कौन है? अमरीश पुरी। वेरी गुड। बेटा बजर देखते रहना, सर पॉज ले लेके कह रहे हैं। अच्छा, ओके। शिकायत। चांद को देख के कौन याद आता है? मोहब्बत। शफकत चीमा सुबह उठ के क्या करते हैं? अजान देते हैं। वाह। शेख रशीद किस सन में पैदा हुए? वो सन दुनिया में होना ही नहीं चाहिए था। दूध में पानी कौन मिलाता है? गवाला। ठीक है। 15 पाँव में कितनी उंगलियां होती हैं? 20। बाकी के 5-10 पाँव जो हैं वो बगैर उंगलियों। जानू ने अपनी जाने मन से क्या कहा? हमेशा जीती रहो। शान का पसंदीदा गाना कौन सा है?
जानू सुन जरा। बहुत अच्छा खेला सर आपने अपने अदाकाराना पॉज भी लिए मतलब दो सेकंड के अंदर। बहुत ताले होने चाहिए। सबसे अच्छा कार्टून कौन सा है? टॉम एंड जेरी। वेरी गुड, मुझे पता था आप ये कहेंगे। बैटमैन ने मैरान क्यों खरीदी? पैसे कम थे। वेरी गुड। क्रिस्टोफर नॉलन को पाकिस्तानी नाम क्या है? पता नहीं। आप आपकी टीम का मुहाफिज कौन है? कामरान खान। लड़की कहाँ छुपी हुई है? डिब्बे में। डिब्बे में छुपी हुई है। तो कुत्ते ने कहाँ काटा था? बताने के काबिल नहीं है। बताने के काबिल नहीं है। कौन सी लकड़ी अच्छी होती है? दरख की। अच्छा, हाथ तोड़ के क्या किया? फेंक दिया। जब हाथ तोड़ दिया तो फेंका कैसे आपने? दूसरे हाथ से। दूसरे दो हाथ होते हैं। हाँ हाँ, नॉर्मली दो हाथ होते हैं। इंडिया के बॉर्डर पर क्या है? जोकर। जोकर उनकी साइड पे, उनकी साइड, उनकी साइड, इंडिया के बॉर्डर। हाँ, इंडिया के बॉर्डर पे। बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत आई स्पेयर ट्रेनिंग ले रहे हैं। अच्छा भाई निम्रत, तुम आज तक आ गए, रेडी हो तुम? सिंध की सबसे मशहूर चीज क्या है? चाय। मोटरवे कितना लंबा है? बहुत लंबा है। बहुत नहीं कहना, किलोमीटर बताने दे। चलो छोड़ो। हाँ, चले। सांप और हाथी के बच्चे का क्या नाम होगा? साथी। सांप और हाथी का बच्चा होगा साथी। साथी, इतना दिमाग नहीं चलता। शफात अली कैसे रोते हैं? क्या नहा के सर्दी में निकल आए? दो सेकंड तो सर। रेशम का असली नाम क्या है? बरेशम। मिस मार्वल अगर मरियम नवाज है तो मिस्टर मार्वल कौन होगा? सरदारी। किसी सोते को उठाने के लिए क्या किया जाए? चपेट करानी है। तो तमीज से कोई काम नहीं करता। चूटी ने हाथी का कान में क्या बोला कि वो बेहोश हो गया? ये बता नहीं सकती मैं। जिंदगी का मकसद है खाना पीना सोना और रोना। और शफात कैसे रोते हैं? बहुत अच्छा, मैं तालियां होनी चाहिए। नम्रा ने बहुत अच्छे जवाब दिए। अपने साथ मौजूद टीम मुहाफिज। अच्छा, ऐसा है कि हमारे पास एक ओरिजिनल जेन्युइन शायर भी है। बहुत बड़े शायर है पाकिस्तान के, आपकी भरपूर तालियों में, सैयद सलमान गिलन। अस्सलामुअलैकुम सर। हेलो, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बैठे सर। आज तो माशाल्लाह बेटियां ही बेटियां हैं। बेटियां ही दो बेटियां इधर हैं। तो बेटियों के साथ थोड़ा सा सर, वो एक खातून बड़ी उम्र की भी, उनको आप बेटी ना कहें। नहीं पता हो सर। बेगम से मैंने पूछा कोई मीठी चीज है? वाह। बेगम से मैंने पूछा कोई मीठी चीज है? हलवे का उसने थाल मेरे आगे रख दिया। क्या बात। हलवे का उसने थाल मेरे आगे रख दिया। बेटी से अपनी मैंने कहा मीठा दो मुझे। बेटी से अपनी मैंने कहा मीठा दो मुझे। झट अपना उसने गाल मेरे आगे रख दिया। तो बेगमों से आज मेरा छेड़छाड़ को जी चाह रहा है। न मिल सकी हमें दुनिया में चार सौ जाए। पता नहीं मैं शादियों का शौकीन नहीं। बहुत अच्छी बात। कभी इस ना मिल पड़ा फॉर्मेलिटीज। न मिल सकी हमें दुनिया में चार सौ जाए। इसी तमन्ना इसी आरजू में हम जिए हैं। इसी तमन्ना इसी आरजू में हम जिए हैं। सुरैया जोहरा और परवीन जब न मिल पाई। सुरैया जोहरा और सुरैया जोहरा और परवीन जब न मिल पाई तो एक ही जौजा के तीन और नाम रख लिए हैं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छे से एक ही जौजा के तीन नाम।
कहा बेगम ने इंग्लिश उर्दू पंजाबी जुबानों में नहीं लेजी नकम्मा वेला तुझसा दो जहानों में नहीं लेजी नकम्मा वेला तुझसा दो जहानों में जो कुछ अब्बास मैं लाती हूँ घर के खर्च की खातिर जो कुछ अब्बास मैं लाती हूँ घर के खर्च की खातिर उड़ा देते हो अपनी चाय सिगरेट और पानों में उड़ा देते हो अपनी चाय सिगरेट और पानों में कहा मैंने मैं एक शायर हूँ और इकबाल का शाही वाह वाह कहा मैंने मैं एक शायर हूँ और इकबाल का शाही उड़ाने हैं तखय्युल की मेरे साथ आसमानों में उड़ाने हैं तखय्युल की मेरे साथ आसमानों में वो बोली हाथ में झाड़ू पकड़ के चल निकल घर से हाथ में झाड़ू पकड़ के झाड़ू हमारे यहाँ तो झाड़ू चलता है चिमटा चलता है वो बोली हाथ में चिमटा पकड़ के चल निकल घर से तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में बसेरा क्या बात है पहाड़ों की चट्टानों में सो नाइस ऑफ यू बहुत मेहरबानी आप आते हैं तो बिल्कुल संगीत हो जाता है तालियां होनी चाहिए सर सलमान अब एक काम करते हैं दुनिया के सबसे बड़े विलन को बुलाते हैं ऐसा विलन जिसका मुकाबला है न कोई मुकाबला कर सका आपकी भरपूर तालियों में शैतान मैं जी जावा हवा देना हेलो आई लव यू ऑल हाय हेलो जननी ओह माय गॉड ये मैं हूँ ये टीम है यहाँ शैतानी हो रही है नहीं अरे जान हाथ चूम ले मेरे सीनियर पायला हुजूर मेरे सीनियर भी आए मुझे तो पता ही नहीं सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ मेरे दिल में बड़ा दिनों से सवाल है सर कि ये रमजान में शैतान बंद हो जाता है हमने सुना होगा शैतान मुझे लगता है पाकिस्तान में बंद करते हैं क्योंकि यहाँ कुछ बंद नहीं होता आपको बिल्कुल गलत लगता है यू नो रमजान में मेरी छुट्टियां होती हैं जी 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 मैं बीवी बच्चों के साथ कनाडा चला जाता हूँ किसकी तरफ इशारा कर रहे हो है कोई बड़ा शैतान जिसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ हर चोर मेरी तरफ नहीं आया खुद ही चोर की मूंछ में तिनका याद रखना शैतान हूँ डरता किसी से नहीं हूँ सॉरी पंजाब पुलिस के वो ज्यादा क्रिएटिव है बट रजा की बांसुरी मत बजाइए उससे मुझे डर लगता है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता जो लोग कितने ये जो ड्रग्स लेते हैं तो नहर किनारे कितने आराम से किलोला कर रहे होते हैं हाँ। और कितना पीसफुली इनकी डेड बॉडीज पुलों के नीचे से मिल जाती हैं बहुत मॉर्बिड बात की है 50-50 साल जीते हो तुम लोग बेचैन रहते हो किसकी तरफ इशारा है 50-50 साल जीते हो हम तीनों के मिला के 50 आप तीनों की मिला के 50 बन गई हो नॉटी बॉय बिहेव करो नहीं है क्या आई मीन रॉका ओह माय गॉड रॉका तुम्हें किसी ने नहीं रोका तुम्हें क्या सूझी कि तुम दुनिया से बुराई खत्म करना चाह रहे हो बच्चों दुनिया से बुराई खत्म हो गई सबसे पहले तुमने बेरोजगार होना आप बात कर रहे थे कि ड्रग्स तो आपने कहा चोरी चकारी क्यों अच्छी चीज है देखिए चोरी चकारी अगवाकारी यू नो ये भी इंसान है ये लोग इनकी कोई फॉरेन फंडिंग नहीं होती जो अगवा करते हैं इनकी फॉरेन फंडिंग तो नहीं होती ना ये तो यहीं से आपके भाई होते हैं जिनको अगवा करते हैं अब भाई का भाई पे हक है ना अगर भाई भाई का ख्याल नहीं रखेगा तो आप लोग नेगेटिव क्यों सोचते हैं सो पॉजिटिव बहुत सो पॉजिटिव बहुत बांसुरी बजा भाई नहीं प्लीज प्लीज आप खुद देखे ना सारा सारा दिन ये एसी के कमरों में यूं बैठना ये बड़ा आसान है हाँ। वो लोग ग्राउंड के ऊपर देखें दोपहरों में कितना होमवर्क करते हैं कि भाई हम इससे जितना मांग रहे हैं ये अफोर्ड भी कर सकता है कि ज्यादा ना हो जाए हाँ, उसके बाद जून जुलाई में देखना कब आता है कब जाता है यू नो बहुत हमें उनकी कदर करनी चाहिए कहीं उनकी बद्दुआ ना लग जाए हमें बद्दुआ से डरना चाहिए बहुत क्यूट शैतान तो
मुझे, मैंने तुम्हें कहा तो था मुझे अंकल कह दिया करो, मैं तुम्हारा अपना हूं ना। शैतान हूं, कोकाफ से आया हूं, लेकिन यकीन करो मैंने कोकाफ में भी कोई तुम जैसा चिचोरा नहीं देखा। थैंक यू, बहुत मेहनत, फखर की बात है। आपको पता है वी आर प्राउड ऑफ यू रॉका, कोकाफ में तुम्हारी इतनी फैन फॉलोइंग है। हाँ। इतनी फैन फॉलोइंग है, चुड़ैलें मरती हैं इनके ऊपर। यकीन, ये आवाज सुनी, बड़ी मेहरबानी। मैं ये दनानीर से ये कहना चाह रही थी कि ना आप स्किन का काम करती हैं ना। जी बिल्कुल, मेरा ब्रांड है। मुझे भी कोई क्रीम एक दे दें, लोग कहते हैं मैं बड़ा थिक स्किन हूं। अच्छा, ये अच्छा लाए। आज का गाना।